नमस्कार। खास खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि चक्रवर्तीय परिचरण पश्चिम उत्तर उत्तर प्रदेश हरियाणा तथा दूसरे पूर्व उत्तर राजस्थान के ऊपर बना हुआ, जिससे होकर पश्चिम मध्य प्रदेश और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र तक ट्रप लाइन गुजर रही है। इसके प्रभाव से रविवार को भी तेज हवा और धूल भरी आंधी चलने का भी संकेत मिला है। वहीं पर आज जो तूफान ने अपनी गति दिखाई है, जिसके चलते हुए हम आपको बता रही है तस्वीर, कहीं ना कहीं बिजली के खम्भे भी जो है वह धराशायी हुए हैं। वहीं पर हम आपको बता दें बीच में लगे हुए खम्भे भी टूट गए हैं। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, अचानक आया यह विकराल तूफान जो लगातार अपनी दस्तक देने के बाद कई जगहों पर लाइटें बंद हो गई हैं और यह प्रकृति का यह तांडव देखने को मिला है। हम आपको सीधी सीधी तस्वीरें बता रहे हैं कि बिजली के तार के खम्भे भी गिर गए हैं और लगातार यह तूफान इतना तेज था कि इसकी गति अगर देखी जाए तो लोगों को अपने घर में जो है घुसकर अपनी जगह बनानी पड़ी है। कहीं ना कहीं यह रविवार का भी संकेत मिला है कि यह तूफान रविवार को भी अपना तांडव दिखा सकता है। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, जहां लोगों के जीवन में अफरा तफरी का माहौल भी बना हुआ है, लेकिन तूफान अपना तांडव दिखाता हुआ नज़र आया है। सीधी सीधी तुम तक न्यूज पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ ओले गिरे हैं कहीं कहीं और कहीं कहीं बारिश नहीं हुई है, लेकिन तूफान सूखा चलता रहा, कभी गीला होता रहा। आपको सीधी सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं तुम तक न्यूज पर। इधर पहुंचो तो